नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभा समाचार प्रीतिश कुला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। पैसा लेने के बाद भी मुकदमे को नहीं लिया वापस, किया जा रहा है प्रताड़ित। मामला जनपद अंबेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर युवक को घर बुलाकर जालसाजी करते हुए पॉक्सो एक्ट तथा धारा 376 के तहत 4 साल पहले मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। युवक का आरोप है कि विपक्षी मुकदमे के सुलह समझौते के लिए उसे 2 लाख रुपए का चेक तथा 25,000 रुपए अपने खाते में नकद जमा करा चुके हैं। इसके बाद भी 4 साल बीत जाने पर भी विपक्षियों द्वारा मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। युवक को मानसिक और आर्थिक रूप से विपक्षी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जब पीड़ित पैसा मांगने लड़की के घर जाता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। वहीं युवक ने भीटी थाने पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। सर, मैं परवर भारी का निवासी हूं। मुझे घर पे बुला के 376 और पास्को में फर्जी फंसाया गया है और मुकदमा करने के बाद ये लोग हमें पैसे की मांग कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए, जो कि हमने इन्हें 2 लाख बैंक ड्राफ्ट से और 50,000 के खाते में ट्रांसफ़र भी कर दिया है। आपने ये पैसा कब दिया था? हमने ये पैसा 2016 में, दिसंबर 2016 में इन्हें दिया था। आज लगभग कितने साल हो गए जब आपने पैसा दिया था? लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया है। उसके बाद इनके घर ना इन्होंने मामला उठाया ना ही पैसा दिया हमें वापस। अब पैसा वापस मांगने जाते हैं तो ये लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। आपको किस फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा था? 376 और पास्को में फंसाया गया था, जिसके कारण हम बहुत परेशान हो गए थे। फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था, हमारा पुलिस में हो गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं हुआ। इसी के कारण ये लोग हमसे फिर से पैसे मांग रहे हैं ताकि कहीं इनका सिलेक्शन ना हो। हमारा रेलवे में भी हो गया था, इसी केस के कारण हमारा उसमें भी नहीं हो पाया है। और जो कि इनसे पैसा मांगने जाते हैं या जिस लिए पैसा लिए थे केस उठाने के लिए, तो केस भी नहीं उठाए और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अब फिर से जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो बोलते हैं अगर केस हम उठा लेंगे तो इनका कहीं ना कहीं हो जाएगा, इसीलिए ये लोग ना ही केस उठा रहे हैं ना ही पैसा दे रहे हैं। और पैसा मांगने जाते हैं तो ये लोग जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे हम परेशान हैं। और भीटी थाने पर भी तहरीर दिया था हमने और भीटी थाने वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भीटी थाने वाले, जब आपने भीटी थाने पे तहरीर दिया था तो दोनों पक्षों को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था? जी हाँ, ये दोनों पक्षों को बुलाया गया था, वो लोग आए थे। उसके बाद से फिर कुछ नहीं हुआ था। फिर अभी 3 दिन पहले इनके घर पैसा मांगने गए थे, जो कि ये लोग हमसे वहाँ से डांट के भगा दिए और जान से मारने की धमकी दिए थे। बोले फिर से अगर आओगे तो जान से मरवा देंगे तुम्हें। अच्छा ठीक। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।